हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मेनिरे बलामूढ़ास्त्रेनं चानुव्रतं रहा अप्रमाण विदो भर्तु। अनुवाद पढ़िए नंद किशोरी माता जी। जी प्रभु जी, पढ़ रहे हरे कृष्णा। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियों सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित है और उनके वशीभूत है। वे अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य पत्नियां तक भगवान की अगाध महिमा को पूर्णतया जानती न थी। यह अज्ञान संसारिक नहीं है, क्योंकि भगवान तथा उनके नित्य पार्षदों के मध्य भावों के आदान प्रदान में भगवान की अंतरंगा शक्ति का कुछ न कुछ हाथ रहता है। भगवान पांच प्रकार से दिव्य संबंधों अर्थात ईश्वर स्वामी मित्र पुत्र प्रेमी भाव का आदान प्रदान करते हैं और इन प्रत्येक लीलाओं में वे पूर्णतया अपनी अंतरंगा शक्ति योगमया तथा क्रीड़ा करते हैं। वे गोपों से या अर्जुन जैसे मित्रों के साथ समान स्तर के सखा की भांति क्रीड़ा करते हैं। माता जसोदा के सामने वे सचमुच के पुत्र के रूप में क्रीड़ा करते हैं। गोपियों के साथ समक्ष वे असली प्रेमी के रूप में और द्वारका की रानियों के बढ़ाइए न प्रभु समझ द्वारका के रानियों के समझ पति रूप में कीड़ा करते हैं। भगवान के ऐसे भक्त कभी भी भगवान को परमेश्वर रूप में नहीं सोचते अपितु सामान्य मित्र प्रिय पुत्र या प्रेमी या पति के रूप में सोचते हैं, जो हृदय और आत्मा को बहुत प्रिय है। भगवान तथा उनके उन दिव्य भक्तों के मध्य यही संबंध होता है, जो चिन्मय आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में कार्य करते हैं। जहाँ अनेक वैकुंठ लोक स्थित है, जब जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे दिव्य जगत की पूरी तस्वीर दिखाने के लिए अपने पार्षदों सहित अवतरित होते हैं। जहाँ भगवान की सृष्टि के ऊपर किसी प्रकार का प्रभुत्व जताने का कोई नाम भी नहीं लेता और जहाँ भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम तथा भक्ति का ही प्राध्यान रहता है, ऐसे भगवत भक्त मुक्त आत्मा होते हैं। वे बहिरंगा शक्ति के प्रभाव का निषेध करने वाली तटस्था या अंतरंगा शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति होते हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति ने भगवान कृष्ण की पत्नियों को भगवान की अगाध महिमाओं को भूलवा क्या हो जाता है दिया भूलवा दिए, जिससे आदान प्रदान में कोई त्रुटि न रह जाए और वे यह मान बैठी कि
भगवान उनके वश में रहने वाले पति तथा सदैव एकांत स्थान में उनके पीछे पीछे जाने वाले पति हैं। दूसरे शब्दों में भगवान के निजी पार्षद तक भगवान को भली भांति न जान पाते, अतएव जो धार्थी लेखक अथवा मानसिक तर्कबाज भगवान की दिव्य महिमाओं के विषय में भला क्या जान सकेंगे। मानसिक तर्कबाज विभिन्न मतों के विषय में अपने विचार प्रकट करते हैं कि वे सृष्टि के कारण हैं, सृष्टि के अव्यय स्वरूप है, या सृष्टि के भौतिक तथा समक्ष कारण है। किंतु यह तो भगवान विषयक केवल अधूरा ज्ञान है। वास्तव में वे सामान्य मनुष्य की ही तरह अनजान रहते हैं। भगवान को केवल भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। चूंकि अपनी पत्नियों के साथ भगवान के सारे आचरण शुद्ध दिव्य प्रेम तथा भक्ति पर आधारित है, अतएव सारी पत्नियां किसी भैतिक कलमस रहित दिव्य पद पर आसीन है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तत्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो हमारे प्राणमोहन प्रभु जी अभी कहाँ पर है? एयरपोर्ट में। हरे कृष्णा। प्राणमोहन प्रभु जी कहाँ पर है आप? या दिव्य लोक गोलोक वृंदावन में है? भागवत कथा सुन के सीधा भगवत धाम पहुंच गए? हाँ, कैलाश में है प्रभु जी। कैलाश गए? हिमालय पर्वत पर। कैलाश पहुंच गए? ना, कैलाश गए आप? यहाँ पर प्रभु जी हिमालय। हिमालय कहाँ है प्रभु जी? वो तो तिब्बत में है। तिब्बत में है कैलाश। हाँ जी प्रभु जी, ये जो है ना एकदम हिमालय ही है, इसके बाद जो है चीन है। अच्छा, 40-42 किलोमीटर है यहाँ से। तो अभी कौन कौन गए आपके साथ? अभी तो हमारे यहाँ साले साहब हैं और हम हैं और उनका बाल बच्चा है, परिवार है। विभा माता जी मुझे बोल रहे थे कि प्रभु जी स्वर्गारोहण में गए हैं उत्तर दिशा की ओर। हाँ प्रभु जी ठीक कह रही है। तो स्वर्गारोहण है प्रभु जी। ये तो मैं जो है ना, हाँ जरा सा मिस करेगा गाड़ी तो सीधे स्वर्गधाम। बहुत डेंजरस जगह है वो। तो डेंजरस जगह है। हम 2018 में गए थे केदारनाथ बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ से चीन 65 किलोमीटर है। बद्रीनाथ जहाँ पे व्यासदेव की गुफा है, जहाँ पे श्रीमद् भागवतम लिखे थे, वहाँ पे हम लोग गए थे 2018 में संकीर्तन भक्तों के साथ। तो जब गाड़ी चलता था तो ऐसा लगता था कि पता नहीं रिटर्न आएंगे कि नहीं। थोड़ा सा अगर ड्राइवर अगर गड़बड़ी कर दे सीधा खाई में गिरेंगे। जी प्रभु जी, मुझे माता जी यही चीज बोले कि प्रभु जी एकदम जैसे पांचों पांच जैसे स्वर्गारोहण में कंचन, तो प्रभु जी भी उधर उस कंचन उत्तर दिशा में कंचनजंगा जो हिमालय की चोटी है प्रभु जी। कंचनजंगा भी यहाँ से दिखलाई पड़ता है। अच्छा, तो अभी आने को मन कर रहा है इधर भागवत कथा में ज्वाइन करने के लिए बोकारो, या वहीं पर रहने को इच्छा है क्या? नहीं जाएंगे। नहीं, वहां पर रहने की इच्छा है क्या? वहां पर रहने की नहीं, रहेंगे कितना दिन यहाँ रहेंगे? मुझे तो इच्छा नहीं है, ठंडा मौसम है ना। ठंडा में बोला बाप कब यहाँ से जाएंगे। ठीक है, मैं तो हमारा 15 दिन का बहुत ठंडा है। यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ सबसे पहले नंबर में केदारनाथ।
पहले नंबर में हम लोग टोटल 70 भक्त, अच्छा अच्छा 70 भक्त थे, और 23 किलोमीटर है केदारनाथ, पैदल उठना होता है 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर। अच्छा तो सबसे पहले नंबर मैं उठा था, 1 घंटा पहले ही उठ के वहां पर जप कर रहा हूँ। भक्तगण बाद में, कोई कोई भक्तगण आके बोले कि अरे मैं पहले उठा, तो जैसे मैं पहले उठा बोला, देखा जगन्नाथ पहले उठ के, अरे हमारा तो सब निष्फल हुआ। हम लोग सोच रहे कि हम लोग पहले आए तो जगन्नाथ तो ऑलरेडी आ चुके हैं। हाँ, तो मैं एक जुनून से उठा था वहां पर, जुनून संवारा था, क्योंकि मैं सोचा एक ग्रुप में रहेंगे ना तो हम वही बूढ़ा की तरह, अर्थात उसी संगति के अनुसार, थोड़ा बैठ जाओ, सभी पानी पी लो, उसके बाद जाएंगे। इस संगत से कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए मैं अकेला चला, अकेला चला, और एकदम स्पीड में थक गया, और वहां पे जाके गोबर बन गया। फिर वहां पे जाके केदारनाथ से प्रार्थना किए, और केदारनाथ से क्या प्रार्थना किए थे आप लोगों को पता है? उस समय जो कष्ट करके उठे थे, आप लोग प्रार्थना को सुन के हैरान हो जाएंगे, प्रभु जी आप क्या प्रार्थना करते हैं। मैं केदारनाथ को बोला था, मैं बोला कि केदारनाथ, अगर मैं आपके जगह में होता यहाँ पर विराजमान, और आप मेरे जगह में होते, तो आप मुझसे जो भी मांगते ना, यूं ही देते, चुटकी में, चुटकी में। ठीक है, ऐसा मैं बोला था कि जितना कष्ट करके मैं आपके पास आया, ठीक है, क्योंकि वही केदारनाथ की लीला, जो भीम भीम अर्जुन का भी वही वही पर लीला है, युधिष्ठिर महाराज को उधर से जो गुजर रहे थे। हाँ ठीक है, तो मैं केदारनाथ को ऐसा प्रार्थना किया था। सबसे पहले पार्वती द्रौपदी ही ने पहले हाँ, बर्फ तो में थे, ढल लेकिन गई। मैं जो प्रार्थना किया था वो मैं उस टॉपिक के ऊपर आलोचना कर रहा हूँ, कि मैं इतना कष्ट लग, मतलब इतना मैं थक गया था ना, इसीलिए मुझे क्रोध आया। बोला अरे जिसके पास आया इतना क्रोध लेके, कुछ तो शरबत तो पिलाओ, थोड़ा जूस तो दो, डाब जूस या कुछ भी, गन्ना का जूस। तो इसीलिए मैं डाके बोला, भेज केदारनाथ, सुनो आप भी कृष्ण के भक्त है, मैं भी कृष्ण के भक्त हूँ, आप बड़ा भक्त है, मैं छोटा भक्त हूँ, ठीक है, मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं कुछ प्रार्थना तो नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज बोल रहा हूँ, अगर मैं आपकी जगह में यहाँ पर बैठे रहता, और आप यहाँ पे थक थक के आते ना कष्ट करके, तो सच बता रहा हूँ, आप कल्पना भी नहीं कर सकते जितना मैं आपको कल्याण कर देता। ये चीज मैं उनको बोला था, केदारनाथ को। ठीक है, तो शायद उन्हीं का नतीजा है, अभी भविष्य में आगे क्या क्या हो रहा है देखते हैं, केदारनाथ की कृपा पूरा गंगटोक जो है ना पहाड़े पर है प्रभु जी, से। बगल में राजपाल का है, अधिक है, सब इसी जगह है जहां पर हम लोग हैं कल्याण हुआ कि अभी। नहीं प्रभु जी सबसे? प्रभु हैं बोल के आए सबसे, क्या? जब उधर से बोल के आए भगवान को, तब से कल्याण हुआ कि नहीं कुछ? कल्याण है, इसीलिए तो आप लोगों के सामने है ना, यहाँ वही तो। क्योंकि शिव जी का एक, पर कुछ है मतलब घूमने लायक, और कुछ घूमे भी, सोचते हैं कि आए हैं तो घूम ही लें, क्योंकि यहाँ आना ही बड़ा दुर्लभ है प्रभु जी। बहुत दिन बहुत से दुर्लभ। बोल रहे थे, मैं तो बहुत बोला दुर्लभ था है। एक बार आए, और तो नहीं आएंगे, बस 4 धाम हो लेकिन आपको गया। वीजा मिल गया प्रभु जी कैलाश मानसरोवर के लिए? यहाँ पर भी 4 धाम बना हुआ है, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन है पूरा पहाड़, पूरा दिन बीत जाएगा आप जाने में प्रभु जी, वहां। आप तिब्बत तो नहीं गए ना? तिब्बत में है कैलाश नहीं पर्वत, तिब्बत, हाँ अभी तिब्बत नहीं तिब्बत नहीं गए गया। ना? हाँ, तो ना मतलब आप भारत में ही है, हिमालय, एक्चुअली हिमालय की जो ना सीमा है ना, बहुत दूर कैप्चर किए, नेपाल, भूटान, तिब्बत, चीन, पूरा जगह हिमालय का पहाड़ बहुत पर, इसी कारण तो भारत में अटैक नहीं यहाँ होता है, विदेशी यहाँ लोग इसलिए नेपाली अटैक लोग नहीं रहते हैं करता। प्रभु जी, हाँ यहाँ नेपाली लोग रहते हैं, नेपाली भाषा ही यहाँ चलता है, नेपाली भाषा बच्चों को पढ़ाई होती है यहाँ।
लड्डू को वहीं पर गुरुकुल में भर्ती कर देंगे। हनुमान टोक और गणेश टोक और दो तीन ठो व्यू और था, सब भी घूमे बहुत सुंदर। अभी उधर चलिए, अभी आपका घूमना चल रहा है बहुत सुंदर। कुछ दिन पहले सीताकुंड गए थे गया में, और अभी यहाँ पर आए। इसके बाद मायापुर की यात्रा होगा, फिर जगन्नाथ। बहुत सुंदर जो हनुमान टोक गए है, वहां पर भगवान राम का, भगवान राधा कृष्ण का मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर, बहुत बढ़िया। हाँ, संध्या माता जी चले जा रहे क्या? संध्या माता जी चले जा रहे हैं? नहीं जाऊंगी। नहीं प्रभु जी, हाँ अभी। पहले पूरा क्लास सुन लीजिए, दुनिया जाए जहां जाए आप भागवतम के साथ हैं। तो जो जिस टॉपिक में मैं बोल रहा था कि मैं गया था केदारनाथ, तो केदारनाथ से जब ऐसे प्रार्थना किए, मैं गुस्से में प्रार्थना किया था। एक्चुअली मेरा जो प्रार्थना है ना, मैं सब समय प्रार्थना नहीं करता सबसे, कभी कभी विशेष परिस्थिति में कुछ कुछ चीज मांगता हूँ। जैसे राधा माधव मंदिर दिन में 3 बार जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं सब समय कुछ ना कुछ उनसे मांगता हूँ। कभी हो सकता 6 महीना में 1 साल में कभी कुछ मांग ली। और जैसे केदारनाथ गए थे उस समय, उज्जैन महाकालेश्वर जो गए थे, महाकालेश्वर से एक चीज मैंने मांगा था बहुत दिन पहले, 2016 में जब गया था। उस समय कुछ शादी के लिए नहीं मांगा था, उस समय तो ब्रह्मचारी थे, लेकिन मैं एक चीज बोला था जब मैं 2014 में मायापुर ज्वाइन किया इस्कॉन ब्रह्मचारी आश्रम, तो इस्कॉन मतलब कृष्ण बलराम का पिक्चर देखा था उज्जैन का। तो मैं उसी समय मैंने उनसे प्रार्थना किया, कृष्ण बलराम से, कि कृष्ण बलराम आपसे मेरा रिश्ता कैसे जुड़ेंगे, मैं तो मायापुर में और आप उज्जैन में, कैसे मैं आपके साथ घर करूँ, संबंध कैसे बनाऊँ। वो मैं बोला था 8 साल पहले, तो 8 साल पहले जो बोला था, तो कृष्ण बोले ठीक है, यहाँ पे एक लड़की रहती है जिनका नाम है लक्ष्मी, आप उनसे शादी कर लो, मेरे साथ आपका रिश्ता बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उनके साथ शादी हो गया, आप लोग की माता जी से, लक्ष्मी देवी माता जी से, और कृष्ण बलराम के साथ रिश्ता जुड़ गया। तो कुछ कुछ विशेष परिस्थिति में हम प्रार्थना करते हैं, हर समय में भगवान को उतना ये नहीं करता कभी, लेकिन जब करता हूँ ना प्रार्थना, और अगर जब पूरा नहीं होता तो मैं पूरी तरह से क्रोधित हो जाता हूँ। जब मैं संकीर्तन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था बोकारो, धनबाद, झारखंड, विभिन्न जगह में, तो जिस दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था मुझे बहुत क्रोध होता था, गोरनिताई को आके गाली देते थे कि आप क्या समझ कर रखे, बहुत बड़ा बिड़ला हो गया ना, यहाँ पर खड़े खड़े हम यहाँ पर गाधा की तरह परिश्रम करें बुक बैग लेके, और एक भी भगवत गीता बेच के नहीं आ पाए, तो मेरा मनुष्य जीवन व्यर्थ कर दिया, इससे अच्छा मैं एक इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, फिल्म स्टार होता। हाँ, तो यहाँ पर आके किस लिए मुझे बुलाया? अगर भगवत गीता मेरे द्वारा अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो मुझे ब्रह्मचारी आश्रम में क्यों लाया? मार देते कहीं पर विष पिलाकर, जहर पिलाकर, या कहीं पर ट्रेन में सफर करते गिर जाते, मर जाते, क्या जरूरत है ये सब? बहुत सुंदर तो पगड़ी बांध के यहाँ पे बैठे हुए, 3 टाइम खा रहे हैं ना, मैं ऐसे गोरनिताई से झगड़ा करता था। ये मेरा पार्टिकुलर कभी कभी होता है, जिस टाइम में कुछ एक्चुअली उम्मीद में अपने लिए नहीं, उनकी कल्याण मतलब भगवान की महिमा को आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ आशा रखता हूँ, वो आशा जब पूर्ण नहीं होता ना तो मुझे क्रोध होता है, कभी कभी भगवान से भी मेरा फाइटिंग इस तरफ होता है। तो आप लोग कोई कोई सोच सकते हैं, प्रभु जी आप तो हम लोग को झाड़ते हैं, आप लोग क्या, मैं भगवान के साथ भी मेरा झाड़ना चलता है, आप लोग तो भक्त है, मेरा भगवान के साथ भी फाइटिंग होता है, क्या करें। लेकिन पहली बात यह है, मैं सब दिन रोज भगवान से किसी चीज़ का डिमांड नहीं करता, कभी कभी किस पार्टिकुलर परिस्थिति में, जैसे ये जो वृंदावन धाम की यात्रा, मैं तो प्रार्थना नहीं किया था कभी भी, मैं सोचा कि चलिए
एक्चुअली वृंदावन धाम जाना तो सिर्फ टिकट काट के वृंदावन धाम नहीं जाया जाता। हमारे आचार्यों का कहना है कि कोबे मोर मतलब विषय छाड़िया कोबे शुद्ध होबे मन कोबे हम हेरिवो श्री वृंदावन। मतलब जब हमारा मन पूर्णतया विषय वासनाओं से मुक्त होगा तब हम लोग वृंदावन का दर्शन कर पाएंगे। तो मैं उस चीज का वेटिंग कर रहा था कि हे राधा रानी, हे कृष्णा, जब आप समझेंगे सोचेंगे कि मैं अभी थोड़ा सा विरक्ति हूँ या मुझ में क्वालिटी है वृंदावन धाम आने का, तो आप अरेंज कर देना। ये मैं बोला था बहुत दिन पहले। ठीक है, तो एक साथ में भगवान दो स्वीकार कर दिया। लक्ष्मी की तो हार्दिक इच्छा थी और मैं जो पहले इच्छा किया था, दोनों एक साथ कॉम्बाइन करके भेज दिया। अभी एक दूसरा इच्छा है जगन्नाथ धाम जाने का, कि बोकारो के समस्त भक्तों को लेकर जगन्नाथपुरी में जाके थोड़ा मतलब समुद्र में स्नान करेंगे, वो इच्छा है। अभी वो कब हो रहा है, कब पूरा हो रहा है ना। थोड़ा सा वहाँ पे जगन्नाथ कथा भी होगा, वहाँ पर आनंद बाजार में हम लोग प्रसादम भी पाएंगे, कितना आनंदमय जीवन होगा। हाँ? कभी गए हैं कि नहीं, कभी गए हैं कि नहीं कहाँ पर? जगन्नाथपुरी? अच्छा, 11 बार गए, 11 टाइम्स। हाँ, क्योंकि हमारे मायापुर से हर साल 2 बार करके वहां पे जाना पड़ता है, एक रथ यात्रा के समय और एक जी श्री क्षेत्र परिक्रमा के समय। तो 2015 से जाना शुरू किया, जो 90 कलेवर हुआ ना, पहला पहला मतलब हर 12 वर्ष में जी एक बार होता है, हर 12 वर्ष में एक बार 90 कलेवर होता है। तो 2015 में 90 कलेवर हुआ और उससे मैं इसको ज्वाइन किया। तो पहले ही मैं जगन्नाथपुरी 1 महीना बाद ही 90 कलेवर मतलब 2015 में गए थे, फिर नवंबर में फिर श्री क्षेत्र परिक्रमा, इस प्रकार करके 11 बार हम गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सभी भक्तों को लेकर आप लोगों को भी एक बार वहां पर ले जाए। संध्या माता जी का क्या कहना है, इच्छा है कि नहीं जाने का, या पैसा खर्च के भय से नहीं जाएंगे? पहला लिस्ट में मेरा नाम दीजिए, क्या पहला लिस्ट में मेरा नाम दीजिए। लेकिन अगर आप वहां जाके बोलेंगे प्रभु जी कहाँ पे फ्री प्रसाद मिल रहा है क्या? नहीं बोलेंगे प्रभु जी, ऐसा गिनती नहीं भेज बोल देंगे। रहा अरे है, अगर ऐसा बोलेंगे तो नहीं जाना ही हम रहता है। मतलब किडनी साइंस संस्था में आंख दिए हुए हैं। 20,000 करके पकड़ना है हाथ में, ठीक है, 20,000 ठीक लगना है हाथ है, में। उतना खर्चा नहीं होगा, उतना खर्चा हम नहीं 25 होगा, लेके चलते हैं, 25 बोरियो मठ लेके में चलते हैं। रहेंगे, जहाँ पे हाँ भक्ति ठीक सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जहाँ पे जन्म ग्रहण किए हैं ना, जगन्नाथ की कृपा जहाँ पे बर्षण हुआ है, हमारे परम गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उस गोड़ियों मठ में हम लोग रुकेंगे, पहले से बुकिंग कर देंगे। बड़ा मठ है। हाँ प्रभु जी सुने, बहुत अच्छा मठ है। नहीं आप गए हैं कभी? मेरी बहन से सुने हैं, मेरी बहन उड़ीसा में रहती है ना। ओ अच्छा, हम तो वहां पर रुके हैं, वहां का प्रसादम कितना सुंदर। हाँ हम लोग अटका खाए थे एक बार, बहुत पहले, हमको तो याद भी नहीं जिस समय छठा क्लास में पढ़ते थे। हमारे ममता माता जी जाएंगे कि नहीं? ममता माता जी जगन्नाथपुरी जाएंगे आप? जिंदगी क्या खराब है, करते करते वो तो ममता खत्म हो जाती माता है। तो बेगा आप जगन्नाथपुरी जाएंगे? हाँ प्रभु जी जाएंगे, भगवान की आज्ञा होगी पर वो तो जरूर जाएंगे। भगवान तो मेरा आज्ञा क्या आज्ञा है, भक्त की आज्ञा? जगन्नाथ की आज्ञा, जगन्नाथ देव की आज्ञा या जगन्नाथ देवदास की आज्ञा, तीनों तो एक ही है ना। प्रभु जी एक बार हम लोग का टिकट रिजर्वेशन हुआ था पूरे फैमिली के साथ में, तो हाँ ऐसा हुआ कि उसके 5 जुलाई को हम लोग का रिजर्वेशन था प्रभु जी, और 2 जुलाई को वहां रेणु चक्रवात आंधी तूफान आ गया अच्छा 2000
18 में प्रभु जी, 2018 में जी, विद फैमिली के साथ हम लोग का था ट्रिप, जाना है जगन्नाथपुरी, लेकिन इतना भयावह और इतना खतरनाक चक्रवात आया, आंधी तूफान देनु, तो उसी में हम लोग का टिकट कैंसिल हो गया, नहीं जा पाया। तो हम लोग को तो यही मानना है प्रभु जी कि जब भगवान की इच्छा होगी वही होगा, जब वो चाहेंगे कि हम उनका दर्शन करें, क्योंकि भगवान की इच्छा यही था। अगर आप घर वाले के साथ जाएंगे तो आप लोग क्या देखेंगे, लेकिन अगर आप एक भगवान के भक्त के साथ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य क्लास देते थे, यहाँ पर महाप्रभु ने ये लीला किया था, यहाँ पर वो किया था, ये चिल्का डैम, यहाँ पर ये है। इसीलिए भगवान आपको सुंदर रूप से ले जाने का प्रबंध कर रहे हैं। तो आपकी इच्छा है, देखते हैं प्रभु जी। एक ऑप्शन आया है ना, ऑप्शन क्यों आ रहे हैं? ऑप्शन है प्रभु जी, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मतलब बोल रहे हैं कि कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, अभी नहीं बता पाते हैं, कंफर्म नहीं बता पाएंगे। हमारा तो सबका टिकट हो गया, आप ही का बाकी जी। हाँ जी, कब का है प्रभु जी? वो डेट पता नहीं, तो फिर कंफर्म कैसे हो गया, टिकट कैसे हो गया? हृदय से हृदय से पूरा प्रिपरेशन हो गया ना, इसलिए बोल रहा हूँ। हृदय से सभी की इच्छा रहती है प्रभु जी, सबका मन करता है कि हम तीर्थस्थल घूमे धाम जाएं। तो हृदय से कीजिए, हो जाएगा जी। जी प्रभु जी, तो बात है, हमारे प्रमोद प्रभु जी जो पूरे हमारे लीडर है, जगन्नाथ पुरी धाम जाने का जो लीडर कुबेर, वो हमारे प्रमोद प्रभु जी है, ठीक है, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तगण आपको याद कर रहे हैं कि प्रमोद प्रभु मेरा भी नाम लिख दे, ताकि जगन्नाथ पुरी की यात्रा हो सुंदर ढंग से। आप ये कीजिए, मम्मी अनम्यूट कीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो हमारा पूरा मन हो गया है, हम लोग जगन्नाथ पुरी जाएंगे, तो उसमें से सभी ने सेलेक्ट किया कि जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म देव को सेनापति बनाया गया था, उसी प्रकार हमारे पूरे ग्रुप में आपको जगन्नाथपुरी जाने का सेनापति बनाया जा रहा है। तो ये पद आप संभालेंगे, इच्छा है? कब जाना होगा प्रभु जी? वो आपका जो लड़का लड़की जब परीक्षा में पूरी तरह से एंड होगा, उसके बाद पूरे बच्चे भी साथ, उसका बाद चला जाएगा। ठीक है जी। तो ठीक है, यही हमारा सिद्धांत है। तब तक हमारे प्राण मोहन प्रभु जी भी रिटर्न आ जाएंगे। प्राण मोहन प्रभु जी बोल रहे थे कि पता नहीं प्रभु जी आप लोग का फिर से दर्शन होगा कि नहीं, क्योंकि इतना दूर चले गए बोले कि सिर्फ पहाड़ के ऊपर, कितना पहाड़ ऊपर कितना ऊपर उठ गया, जैसे स्वर्गलोक पहुंचे, अगर वहां से एक बार गिर जाए तो सीधा नीचे गिरेगा। इसीलिए प्रभु जी को डर है कि सिस्टमेटिक भाव से जब तक नहीं आ जाते तब तक प्रभु जी का चिंता है ना। अच्छा, बैंकटॉक या गैंगटॉक कहाँ गए थे प्रभु जी आप? गैंगटॉक, गैंगटॉक वो सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम तो पूर्व दिशा में है। जी 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 जी, सिक्किम उधर ना, तो मेघालय मिजोरम तो इधर है ना, आपके बांग्लादेश के उस साइड। हाँ, मेघालय अलग है, मेघालय अलग है, अरुणाचल अलग है। तो सिक्किम मतलब क्या, ऐसे ऊपर उठते, ऊपर क्या हमारे देश से ऐसे ऊपर जाते हैं क्या, ऐसा है? तिली तिलीगुड़ी से जब
इधर गैंगटोक के तरफ आइएगा तो पूरा पहाड़ पर ही घूमते हुए हम लोग गैंगटोक पहुंचते हैं। पूरा पहाड़ पर हिमालय ही हिमालय है एकदम। अच्छा, यहाँ देखते हैं फैन का कहीं है? फैन नहीं है प्रभु जी, मतलब गर्मी के मौसम में भी यहाँ पर ठंडा लगता है। अच्छा, बिना कपड़ा पहने दिन में भी नहीं निकल सकते हैं, रात में बिना कंबल ओढ़े उपाय नहीं है। अच्छा, फैन का कहीं पॉइंट नहीं मिलेगा यहाँ। जाड़ा के दिन में तो यहाँ माइनस चला जाता है। अच्छा, अभी ही समय है थोड़ा बहुत जो कि लोग घूम पाता है, निकल पाता है। अभी बहुत सीजन अभी है ना, सब बाहर से विदेशी लोग आ रहा है यहाँ घूमने के लिए। अच्छा, यहाँ का सीन सीनरी बहुत सुंदर है। गैंगटॉक सिक्किम। कौन आवाज कर रहे हैं? लड्डू। अच्छा, तो ठीक, ऐसी जगह में घूमते घूमते उसके बाद हम लोग तिरुपति बालाजी जाएंगे। जगन्नाथपुरी का टूर होने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे प्राण मोहन प्रभु? तिरुपति बालाजी जाएंगे। तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी में एक बार गया हूँ। हम भी दो बार गए हैं। आप दो बार गए हैं? नंदकिशोरी माता जी कितना बार गए हैं? तीन बार। बाप रे, तीन बार गए हैं। लड्डू कहाँ से आवाज आ रहा है? म्यूट कीजिए प्राण मोहन प्रभु। इधर आप तो ठीक है। आज जो हमारा ये जो श्रीमद् भागवतम का ये जो अंतिम श्लोक है हम लोग देख लिए कि तम मेनि रे बला मूढ़ा स्त्रीम चानु व्रतम रह अप्रमाण विदो भर्तुर ईश्वरम मतयोत यथा तत्व सरल तथा सुकमल। स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी थी इनके प्रिय भगवान श्री कृष्ण उनके उनसे आकर्षित है, उनके वशीभूत है, तो अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में अनजान रहते हैं। तो ये जो हमारा अंतिम श्लोक है, इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा को जैसे नास्तिक लोग नहीं जान पाते, उसी प्रकार भगवान की जितनी सारी स्त्रियाँ हैं, द्वारका की जो जितनी सारी महिषियाँ हैं, वो सभी ये सोच रही थी क्या कि मेरा पति मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मैं बहुत सुंदर ही हूँ, मेरी तरफ देखते रहते हैं, बहुत आकर्षित है, वो मेरे बसीभूत है, मैं उनको अपने जाल में फंसा के रखा हूँ, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। तो क्या ये सही है? क्या भगवान ऐसे हैं? नहीं है। लेकिन वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि कृष्णा भगवान है। अगर उन लोगों को पता चलता कि भगवान कृष्णा जो है ना वो भगवान है, तब उनके हृदय में इस तरह का कोई फीलिंग नहीं आता, इस तरह का कोई भी भाव नहीं आता है। तो इसी यही तो यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद हम सबको जो समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि भगवान के भक्त भी भगवान को भूल जाते हैं कि वो भगवान है,
और जो अज्ञानी व्यक्ति वो भी भूल जाते हैं कि वो भगवान है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि हम सब जो है जो भगवान को भूल गए हैं क्योंकि हम लोग अज्ञानता के बस में हैं, और भगवान के जो भक्त है ना वो जोगमाया के द्वारा उसको भुलवा दिया जाता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं जोगमाया के द्वारा भुलवा दिया जाते हैं। अगर अगर उनको भुला नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे? हे भगवान आइए आपको अगरबत्ती करते हैं, आपको नारियल चढ़ाते हैं। तो ऐसे अगर होगा तो क्या प्रेम लीला होगा? अगर सब समय उसको भगवान करके मानेंगे तो नहीं। प्रेम के लिए व्यक्ति को लेवल में होना चाहिए। अगर एक पत्नी सब समय अपने पति को सोचे आप तो मेरे मेरा पति मेरा देवता है, सब समय अगर देवता मानते रहे तब तो उनके साथ तो प्रेम नहीं कर सकते। वो सब समय उनका चरण मतलब नारियल तेल देके या सरसों का तेल देके उनको चरण धुलवाएंगे और आपका सब समय उनको सम्मान देते रहेंगे। तो सम्मान अगर देते रहेंगे तो कृष्णा उनको कैसे प्रेम करेंगे? एक पति अपने पत्नी से प्रेम कब करेंगे? जब दोनों लेवल में हैं। अच्छा सुनो ना, घर में जो है ना वो आलू खत्म हो गया है। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ लाने के लिए। तो ये है प्रेम, ये इसमें क्या पत्नी कुछ बोलते पति उसको तुरंत करते हैं। लेकिन अगर बोलते हे पति हे परमेश्वर हे मेरे प्रभु हे मेरे महात्मा घर में आलू खत्म हो गया है आप कृपा करके ला, तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा क्या करते प्रमोद प्रभु? ऐसा होता है क्या? माता जी कभी किए आपको होता है? नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रेम का संबंध है। क्योंकि अगर ऐसा होगा सम्मान का अगर ज्यादा बोलबाला होगा तो प्रेम का प्रश्न नहीं। प्रेम में व्यक्ति दोनों एक लेवल के होते हैं। प्रेम में व्यक्ति दोनों एक लेवल के होते हैं इस तत्व। तो जैसे एक प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री पूरे देश को शासन करते हैं, और प्रधानमंत्री का एक माँ है कि नहीं? माँ है तो उनकी माँ क्या बोलेंगे? ये देश के प्रधानमंत्री आओ बाबा आप स्वागत है इस घर में आपका, हमारा तो जीवन सफल हो गया। क्या उनकी माँ ऐसे बोलेंगे? संध्या माता उनकी माँ ऐसा बोलेंगे? बताइए अगर आपका बेटा अगर प्रधानमंत्री हो तो आप बोलेंगे आइए सर आपका स्वागत है हमारे घर में आपको बहुत स्वागतम, ये देखिए गुलाब फूल की माला बना के रखा हूँ आपके लिए आइए हमारे बीच में, ऐसा बोलेंगे? नहीं। क्यों? प्रेम के कारण वो अपना उनको बेटा मानते। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है लेकिन फिर भी वो अपने भक्त के बस में है, अर्थात भक्त के प्रेम के बस में है। तो जो भी है हमारा जो ये जो अध्याय है, ये अध्याय आज हमारा पूर्ण हुआ कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार, हम लोग पहले दिन से चर्चा करके आ रहे कि द्वारका कैसे पहुँचे, हस्तिनापुर से कैसे ले गए, युधिष्ठिर महाराज उनके साथ कितना सिक्योरिटी बॉडीगार्ड भेजे और वहाँ पे जाके शंख बजाए और द्वारका में पहुँचे। पहले उनके माँ के स्तन में दूध की धारा बही, फिर उनको गोद में लिया भगवान को, फिर पहले अपने माता पिता के महल में गए, उसके बाद अपनी पत्नी के पास गए। इस प्रकार ये जो हमारा अध्याय जो है ना हमारा खत्म हो गया। कल हम लोग 12 नंबर अध्याय से स्टार्ट करेंगे एक दूसरा सीरीज। तो अगर किसी भक्त के मन में किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? किसी का कुछ प्रश्न है? आप तो अच्छा से समझा देते हैं तो फिर प्रश्न कैसे करूं? क्या अच्छा से समझा देते हैं तो फिर प्रश्न कहाँ उठता है? ये बहाना है। नहीं प्रभु जी, प्रश्न सिर्फ यही क्लास से ही रिलेटेड होना है, इसका मतलब थोड़ी है। अच्छा। ये चीज परम सत्य है कि मैं इस तरह समझा देता हूँ ताकि प्रश्न का कुछ गुंजाइश ही ना रहे। नहीं रहे फिर भी एक मेरे गुरु महाराज बोलते कि क्लास इस तरह प्रेजेंट हो। हाँ। हाँ। क्लास इस तरह प्रेजेंट हो ताकि सामने वाला पूरी तरह समझ जाए ए टू जेड।
अब तीन चार उदाहरण दे दिए ना। हाँ, एक चीज को समझाने के लिए मैं दो तीन उदाहरण देता हूँ। ये सब सरस्वती देवी की कृपा है, भगवान कृष्ण के हेतु की कृपा है, अन्यथा तुरंत माइंड में थोड़ी आता है।